माय लॉर्ड, मुलजिम ने जिस तरह पूर्व नियोजित ढंग से 12 लोगों की बेरहमी से हत्या की है, इसके लिए आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत मुलजिम को कानून की सबसे बड़ी सजा यानी सजाए मौत दिए जाने की मैं अदालत से गुजारिश करता हूं। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। आपकी तरफ से पैरवी के लिए कोई वकील नहीं है क्या? पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो इल्जाम लगा रहे हैं उसकी सफाई में आपको कुछ कहना है क्या? मिलॉर्ड, इस केस में बहस के लिए मुझे किसी वकील की जरूरत नहीं। सरकारी वकील ने मेरे द्वारा किए गए जुर्मों पर रोशनी डाली है। मतलब ये कि उन्होंने ये तो बताया कि जुर्म मैंने किए, मगर वो नहीं बताया कि जुर्म मैंने क्यों किए। इसलिए आज इस अदालत के सामने उस हकीकत को बयान करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। नागेश, क्या बात है? तो मुझे कब से तरस रही हूँ, प्लीज। एक शर्त है। बोलो क्या करना है, बोलो। जल्दी कपड़े पहनो, मैं तुझे माल दे दूंगा, पहनो। पैसा? ये लो, दफा हो जाओ। थैंक यू वेरी मच। छी, मैंने उसे जानबूझकर तंग किया और उस बेहया ने म
मगर तुमने उसे इतनी बड़ी सजा देने की क्यों सोची, वो भी दिन दहाड़े शहर के आम रास्ते पर? दो तीन बार कमरे पर बुलाया पर वो सती सावित्री की तरह नहीं आई। बस मैंने दो दिन ट्रक की सप्लाई बंद कर दी, जब दौरे पड़ने लगे तब खुद आई, जहां बुलाया वहां आई। आज उससे मैंने बदला चुका लिया, जो मेरे कहने के मुताबिक नहीं करेगा उसके साथ ऐसा ही होगा, ऐसा ही। नागेश, खैर जो भी हो, आज तुमने जो कुछ भी किया वो गलत है। एक तो पढ़ी लिखी लड़की और ऊपर से दौलत वाली। अरे बस भी करो यार, तुम्हें उनके बारे में क्या मालूम, जो ड्रग्स के आदी हो जाते हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हो या पैसे वाले। अरे तुम क्या जानो कि मैंने उसे अपने लिए कब, कहां और कैसे कैसे इस्तेमाल किया है। कमाल, लेकिन आज तुमने जो कुछ भी किया वो बुरा किया। अगर उसके बाप को पता चल गया तो जानते हो हम दोनों की क्या हालत होगी? क्या? आउट। अरे कुछ नहीं होगा यार, वो हम लोगों के बारे में मुंह भी नहीं खोलेगी, नहीं खोलेगी। बेवकूफी की बात मत कर, क्या उस पार्क में किसी ने हम दोनों को नहीं देखा होगा? एक ड्रग कंट्रोल अफसर की बेटी के साथ ऐसी बदसलूकी करके हम दोनों ने अपने लिए मुसीबत मोल ली है, मुसीबत। अरे पगले, एक बार 4.5 करोड़ रुपयों की ड्रग्स पकड़वाकर इसी अफसर ने रिवार्ड हासिल किया। क्या तुम जानते हो कि इसकी खबर उसे किसने दी थी? हा? किसने? बंबई में रहने वाले हम लोगों के बॉस ने। बॉस ने, बॉस ने। यार एक बात समझ में नहीं आ रही है, आखिर बॉस ने ये खबर क्यों दी? यही तो चाल थी, उस 4.5 करोड़ की ड्रग्स में केवल 10 लाख की ड्रग्स थी, बाकी सारा ग्लूकोज था, ग्लूकोज। सच? पर इससे क्या फायदा? इस खबर से उन लोगों का ध्यान दूसरी तरफ पलटकर अपने बॉस ने असली माल बेचकर 5 करोड़ रुपए कमा लिए। उसका इस कदर बेवकूफ बाप हमें क्या खाक पकड़ेगा? हाँ? आओ। तुम चाहे जितनी तलाशी ले लो, यहां तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तलाशी नहीं, तुम दोनों को खत्म करने आया हूं, ले चलो। बदमाश। ये क्या तारा पागलों की तरह हंस रही है? खुशी खुशी देखो, अम्मा से ना कहना प्लीज, तुम भी एक ट्रिप ले लो, मालूम है बड़ी मुश्किल से मिला, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा ही दूंगी। अरे कमीनी, शक तो मुझे उसी दिन हो गया था, मगर ये तेरे पास कब और कैसे आया? कौन सा ड्रग है तेरे पास, दे मुझे। अच्छा तुमने ड्रिप लेने की ठान ली है, ये लो। माय गॉड, अब मैं क्या करूं? तेरे पिताजी देश से ड्रग्स का नामो निशान मिटाने के लिए कितनी तकलीफें उठा रहे हैं, घर बार सब कुछ भूलकर ड्रग्स एरेडिकेशन का प्रचार कर रहे हैं, और तुम्हारी ये हालत देखकर लोग क्या कहेंगे, मजाक नहीं उड़ाएंगे? तुम्हें आदत कैसी पड़ी, इसका कारण कौन है?
बताओ, बताओ ना। पहले जब मेरी फ्रेंड गिरिजा ने मुझे दी तब मैंने मना किया था, और अब चाहिए चाहिए किरट लगा रही हूँ। अरे कमबख्त, तूने हमसे बहुत दिनों तक छिपाए रखा, ये तुड़ैल की तरह क्यों हंसती है? मेरी हंसी तुम्हें पसंद नहीं? अच्छा लो, अब मैं रोती हूँ। इंस्पेक्टर, मैंने बड़े बड़े बदमाशों को डील किया है, पर ये दोनों है ना, बहुत ही छटे हुए हैं। आपने आप फाइनली अपने तरीके से पूछ लीजिए, वरना मैं तो अपने तरीकों से इनसे सब उगलवा लूंगा। अच्छा इंस्पेक्टर, मुझे एक और मौका दीजिए, मैं देख लूंगा। देख लो, देख लो इन्हें, ये दोनों जिस्म से बगैर खून निकले टॉर्चर करने की कला के माहिर इंस्पेक्टर हैं। मेरे पूछे हुए सवालों का जवाब शराफत से दे दोगे तो बच जाओगे, वरना। लेकिन तुम हमारे सिंडिकेट से नहीं बच सकते। हमारे पकड़े जाने की खबर उड़कर उन तक पहुंच गई होगी। ऐ, खोलो। तुम्हारे सिंडिकेट की मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे वो फिल्म चाहिए। कौन सी फिल्म? अनजान मत बनो। आज उस पब्लिक प्लेस पर जिस लड़की के कपड़े उतरवाए थे, उस लड़की की जो ब्लू फिल्म तुम लोगों ने बनाई है, उसकी नेगेटिव और पॉजिटिव चाहिए मुझे। मुझे नहीं मालूम। हकीकत में इसे नहीं मालूम, ये नया आया है। अच्छा, मार पड़ते ही माँ की याद आ गई। माँ कौन है? वो भी तो एक नारी है, और उसी नारी जाति को बेआबरू किया है तूने। मैं सिर्फ 5 सेकेंड का वक्त देता हूं, और उस 5 सेकेंड में बता दो फिल्म कहां है, वरना। वो फिल्म बनाई गई यह तो मुझे मालूम है, पर वो कहां है यह मुझे नहीं मालूम। ठीक है, आज से तेरा चैप्टर खत्म। अगर सच सच नहीं बोला तो हमेशा के लिए अपाहज बना दूंगा। बताता हूं, वो मुझे नहीं मालूम, वो तो इंडिया में भी नहीं है, वो विदेश में है, यहां नहीं है। अच्छा, वहां किसने भेजा? नेगेटिव्स किसके पास है बताओ? हाँ, बोलता कि नहीं? अरे बलदेव, उसे छोड़ो, उसको बोलने दो। हाँ, हमने उसे कभी देखा नहीं, पर वो वही बंबई वाला आदमी है जिसने आपको ड्रग्स के बारे में खबर दी थी। हम लोगों को क्या करना है, इसका हुक्म वहीं से आता है। सर, आपके लिए फोन है। मेरा फोन? किसी को मालूम ही नहीं कि मैं यहां हूं। राम की स्पीकिंग। मिस्टर राम की, शाम को हुए हादसे के लिए मुझे बेहद अफसोस है। मैं खुद ही नागेश को सजा देने वाला था, पर आपने पहल कर दी। दोनों को फौरन छोड़ दो। और ना छोड़ें तो? किस अपराध में आपने उनको पकड़ा है ये आप खुद अपनी जुबान से नहीं बयान कर सकते। ये खबर अभी तक अखबार वालों को नहीं मालूम। अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो वो लड़की कौन है, उसका बाप कौन है, ये सब तस्वीरों के साथ अखबार में छप जाएगा। मुझे धमकी दे रहे हो क्या? नहीं नहीं, हकीकत बता रहा हूं। एक बड़ा वकील उनकी जमानत लेने को आ रहा है। जब तक उस फिल्म के नेगेटिव्स नहीं मिलते, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम उन्हें छोड़ दोगे तो वो नेगेटिव आज रात आपके घर पर पहुंच जाएगा।
मैं तेरा एतबार कैसे करूं? इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं? मैंने जो कहा है वही करूंगा, दैट्स ऑल। वेट वेट वेट, मैं यहां हूं, ये तुमको कैसे मालूम? इतने दिनों से आपकी बेटी को इसकी आदत पड़ी हुई है और आप इसे पहचान भी नहीं पाई, बड़े ताज्जुब की बात है। नमस्ते डॉक्टर, तारा कैसी है? देखिए, इस प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार ही इंजेक्शन और दवाएं बिना नागा उसे देना है। आप क्या कह रहे थे मिस्टर राम की? तारा की तबीयत कैसी है? आज पहली बार आप उसके लिए इतना परेशान हो रहे हैं। All along I thought she was quite normal. No, all along both of you never cared about her. आपकी ड्यूटी, दौलत, आपका यश, यही सब आपके लिए बड़ी नेमत थी। और आपकी वाइफ को क्लब, पार्टी, मीटिंग, इन सब से फुर्सत नहीं थी। घर में माँ बाप के होते हुए भी आपकी बेटी अनाथों की तरह बड़ी हुई, इसलिए पूरी संगत ने उसको बर्बाद कर दिया। इसके असली जिम्मेदार आप ही हैं। मेबी बट क्या मेबी? आप अपनी गलती कबूल कीजिए, वरना अगर ऐसा ना होता तो एक ड्रग कंट्रोल ऑफिसर की बेटी क्या ड्रग एडिक्ट होती भला? इट इज रियली रिडिकुलस। बस डॉक्टर, इससे बड़ी सजा हमें और क्या मिलेगी? क्या हमारी बेटी कभी नॉर्मल हो जाएगी? 10 दिन के ट्रीटमेंट के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। आपकी बेटी बहुत ही एडवांस स्टेज में एडिक्ट हो चुकी है। इलाज के दौरान कुछ अजीब से लक्षण, विड्रॉल सिम्टम्स दिखाई पड़ सकते हैं। इस समय दिन रात एक आदमी को उसकी देखभाल में रहना है, बहुत सावधानी से उसकी देखभाल करनी है। मिस्टर राम की, आप उसको सिटी हॉस्पिटल में एडमिट करवा दीजिए। पैसे की परवाह नहीं डॉक्टर, सिर्फ हमारी बेटी को इस ड्रग्स के नर्क से किसी भी तरह निकाल लीजिए, बस। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं उसे इस नर्क से बाहर निकाल लूंगी, लेकिन उसका भविष्य आपके बे इंतहा पैसा खर्च करने से नहीं, बल्कि आपका प्यार, ममता, स्नेह उसे पूरी तरह से ठीक कर सकता है। बट वन थिंग। वो क्या है डॉक्टर? उसके पेट में पलने वाले बच्चे का क्या करेंगे डॉक्टर? यस, गर्भ 3 महीने से ऊपर का हो चुका है। बच्चे का बाप कौन है ये भी वो खुद नहीं बता पाए। डॉक्टर, क्या गर्भपात किया नहीं जा सकता? ये अब ठीक नहीं होगा, इट इज टू लेट। अच्छा, मैं चलती हूँ। थैंक यू डॉक्टर। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फौरन फोन कीजिए, मैं तुरंत आकर देख लूंगी। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तारा, तारा, नहीं। कंट्रोल योरसेल्फ तारा, सब ठीक हो जाएगा। तारा, तारा, नहीं, नहीं, नहीं। डॉक्टर, मैंने इसे इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। यदि ये नींद से जाग जाए तो मुझे बुला लेना। मिस्टर राम की, मेरी बातों से अगर आपके दिल को ठेस पहुंची हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। नहीं नहीं डॉक्टर, आपने जो भी कहा है वो एक सर्जन के ऑपरेशन की तरह है। ऑपरेशन के वक्त दर्द होना स्वाभाविक है, लेकिन है तो हमारी भलाई के लिए ही ना। इसी तरह हाप की डांट को भी हमने स्वीकार कर लिया। केवल यही नहीं,
तारा की इस स्थिति का कारण भी हम लोग ही हैं। डॉक्टर, आपने जो कुछ भी कहा वो अब समझ में आया। प्लीज तारा को इस क्राइसिस से किसी भी तरह निकाल लीजिए। उसके लिए हम अपना दिन और रात एक कर देंगे। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। गॉड इज ग्रेट। थैंक यू डॉक्टर। मेरी बेटी की मौत ने मेरी पत्नी को भी मार दिया। अपनी बेटी की चिता पे मैंने वो ब्लू फिल्म के नेगेटिव्स को डालकर जला दिया। मिलॉर्ड, मेरी बेटी की मौत जिन पापियों के कारण हुई और जो नौजवान पीढ़ी को तबाह कर रहे हैं, मैंने मौत के उन सौदागरों का वध करने की कसम उसी दिन खाई थी। अपना बदला लेने के लिए मैंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। सारी जायदाद बेचकर पैसा इकट्ठा किया और उस पैसे को अपने धर्म युद्ध में अस्त्र शास्त्र के रूप में प्रयोग करके एक एक दुश्मन को मिटाना शुरू कर दिया। मिलॉर्ड, इसी तरह मैंने 12 लोगों का वध किया। जी हां, मेरे मुताबिक यह पापियों का वध था, हत्या नहीं। इसी तरह मैंने नए नए पापियों अमानुषों को खत्म करने का बीड़ा उठाया था। उस वक्त आपके शहर के काबिल पुलिस ऑफिसर्स ने मुझे गिरफ्तार कर लिया।
मिलॉर्ड, मैं पहले से सब कुछ खो चुका हूं। अब खोने के लिए मेरे पास बचा ही क्या है? कानून की नजर में मैं एक हत्यारा हूं, मगर मेरे मन में किसी प्रकार का अपराध बोध नहीं है। That's all, my lord. That's all. अदालत फैसले को अगली तारीख तक के लिए मुलतवी की जाती है।